दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा कि भाई आज हमारे बॉबी देओल का जन्मदिन है, तो भाई आप उनको उनकी जन्मदिन की बधाई देना ना भूलिएगा। तो हैप्पी बर्थडे बॉबी देओल सर, आप जीव हजारों साल और आप अपनी आने वाली हर एक फिल्म के माध्यम से हम सभी के दिलों को यूं ही धड़काते रहिएगा और अपने खूंखार अवतार के माध्यम से भाई लोगों को डराते भी रहिएगा। जी हाँ, आज बॉबी देओल का जन्मदिन है रमेश भाई, और उनके जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए आज उनकी आने वाली अगली फिल्म यानी कि कंगुआ की टीम के द्वारा जो उनका पहला लुक जारी किया गया है ना, एक शानदार पोस्टर के माध्यम से उसको देखने के बाद तो बात ये समझ में आ गई है कि भाई 2023 में बॉक्स ऑफिस पर एनिमल के अवतार में भाई वो जिस तरह से लोगों का दिल जीत चुके थे ना, उससे कहीं ज्यादा वो तहलका मचाने वाले हैं कंगुआ में उधिरन के अवतार में। तो भाई कैसा है बॉबी देओल का ये उधिरन वाला अवतार, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस पहले लुक के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात आप लोग जानती हो कि भाई इन दिनों साउथ इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि सूर्या अपनी आने वाली इस फिल्म यानी कि कंगुआ को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी थी कि इस फिल्म में मुख्य विलेन के तौर पर नजर आएंगे बॉलीवुड के इन दिनों के सबसे खूंखार विलनों में से एक यानी कि बॉबी देओल। और भाई जैसे ही ये नाम दर्शकों के सामने आए थे कि उसको सुनते ही दर्शकों के बीच में एक्साइटमेंट इस बात को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गया था कि भैया अब कैसा अवतार दिखाएंगे कंगुआ में बॉबी देओल। और भाई आज जो उनका लुक आया है ना कंगुआ की टीम की तरफ से, उसको देखने के बाद तो भाई मैं भी अचंभित हो गया हूं और ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि भैया एक वक्त दुनिया हसीनों का मेला, इन हसीनों में फिर भी मेरा दिल अकेला गाने वाले बॉबी देओल भाई आज ये कैसे कैसे अवतार हमें दिखा रहे मेरे भाई। यानी कि उन्होंने तो उनको एक अलग ही अवतार में दिखा था मेरे भाई, जब उनकी फिल्म सोल्जर आई थी, बरसात आई थी, लेकिन भैया उन्होंने जो परिवर्तन किया ना अपने किरदार में वो काबिले तारीफ है मेरे भाई। यानी कि आज कंगुआ की टीम की तरफ से ये जो पोस्टर जारी किया गया, ये पोस्ट लिखते हुए कि ये बंदा रूथलेस है, पावरफुल है, अनफॉरगेटेबल है, तो भाई वाकई में जो लुक हम लोग के सामने आई, ये सारी बातें इस लुक में नजर आ रहा है मेरे भाई। शैतानों के किंग है, राक्षसों के किंग है, उनके साम्राज्य के सामने निर्बल लोगों की कोई औकात नहीं है और वो अपने खूंखार इरादों के माध्यम से हमेशा दुनिया को दहलाते आए हैं। कुछ इसी तरह का लुक हम लोगों के सामने रखा गया। हम ये बात देख रहे हैं कि भैया बहुत ही यूनिक अवतार में नजर आ रहे हैं बॉबी देओल, उनको उनके साम्राज्य के लोगों के बीच में घिरा हुआ दिखाया जा रहा, वो बहुत ही अलग ही अंदाज में बैठे हुए, उनके आजू बाजू में कई सारी महिलाएं उनके ऊपर अपना प्यार निछावर करती नजर आ रही है और वो इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए अपना एक अलग ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं जो कि काफी खूंखार है मेरे भाई। तो दोस्तों, वाकई में बॉबी देओल का ये लुक देखकर तो आज दिल खुश हो गया और ये बात हम लोग गारंटी से कह सकते हैं कि 2024 में भी बॉबी देओल अपनी आने वाली इस फिल्म के माध्यम से बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से हिला कर रख देंगे। यानी कि जब उनकी ये फिल्म पैन इंडिया के तहत सिनेमा घरों में रिलीज होगी तो भाई बॉबी देओल का एक ना अलग ही ऑरा बन जाएगा पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको बॉबी देओल की आने वाली इस फिल्म यानी कि कंगुआ में जो उनका ये लुक है कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।